दिन रोई हूँ मैं हॉस्टल में, कुछ मैं क्या करूँ, मैं यही कर रही हूँ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिसके पास है हो सके तो मेरी मदद करो, जो मेरे पति बच जाए, बस ये है। चौधरी हॉस्पिटल में कराया, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे पर नहीं बनाया, हमने कोशिश कर ली, पूरा महीना हो गया हमको भटकते भटकते, कभी कहते ये लाओ कभी कहते वो लाओ, मेरी एक बच्ची ऐसी भटक रही बेचारी की जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन नहीं ला। आप ये सोचो कि आटा भी मुश्किल हो रहा, ये चीज हो रही है, मेरे खुद के पाँव से चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, इनका कहीं से कहीं तक कुछ सहयोग और कर भी नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। वॉइस एमपी हमेशा सामाजिक सरोकार की खबरें दिखाता आया है। अगर बात की जाए जिस तरीके हमने मुहिम चलाई की कमलेश की इलाज को लेकर, उसे अब उसमें अब जो कहीं ना कहीं आम जनता और जो सामाजिक संगठन है वे हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अगर सबसे पहले अगर बात किया है तो बीती रात महाकाल सरकार सेवा मंडल के सदस्य वहां पहुंचे उनके निवास पर और उनसे इलाज को लेकर उनका आर्थिक सहायता राशि भी उन्होंने दी है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमारे ये खबर हमारे रिपोर्टर पवन राव शिंदे ने हम तक पहुंचाई है। जिस तरीके से वैसे भी मुहिम चला रहा है कि कमलेश की मदद के लिए नीमच की जनता आगे हाथ बढ़ाए और इसका इलाज कराए। जिस तरीके से बात की जाए तो कमलेश की माली हालत खराब है, परिवार अब इतना सक्षम नहीं बचा है कि उसका इलाज करा सके, क्योंकि जो धन राशि थी वो पहले उसकी पत्नी के लिए जो उसके इलाज के लिए खर्च करती है, अब जो है कमलेश की तबीयत खराब है, उसको 90% के ब्लॉकेज है, ऐसे में बात की जाए तो उसको इलाज की जरूरत है, ऐसे में हमने खबर दिखाई थी और आपसे मदद की गुहार लगाई थी कि आप जो है आगे बढ़े और कमलेश का इलाज कराएं। जिस तरीके से बात करें तो महाकाल सरकार सेवा मंडल जो मुहिम में हाथ बढ़ाया वो एक सराहनीय है और आप भी आगे जो है कमलेश के इलाज के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते हैं। खबर देखी थी उस माध्यम से मुझे खबर मिली तो मैं तुरंत आया, जो भी सेवा मुझसे हो सकती है वो करने आया हूँ मैं वॉइस ऑफ एमपी के द्वारा। वॉइस ऑफ एमपी के दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एमपी ने जो कार्य किया है बहुत बढ़िया कार्य किया है और ऐसे ही करते रहे, गरीबों का साथ दे, और आज उन्होंने ये दिखा दिया है। मैं अपील करता हूँ कि जो भी मदद करना चाहे तुरंत आए और मदद करे और वॉइस ऑफ एमपी से संपर्क करें। वॉइस ऑफ एमपी की पहल से हम लोगों को पता पड़ी, बाबा रोहित शर्मा ने पहल करी है, अच्छे काम की। ये जो महिला हैं ये विकलांग है और इनके परिवार में एक इनों के गुड़िया है और पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो हम लोगों ने आर्थिक मदद भी करी है और जो भी होगा हमसे बनती कोशिश हम लोग करेंगे महाकाल सरकार सेवा मंडल की तरफ से। और आप सभी से भी अनुरोध है कि कोशिश करिए कि इन लोगों की मदद करें। शहर की जनता को बताना चाहते हैं कि ना तो कोई नेता आगे आ रहा है इसमें, ना कोई राजनीति सपोर्ट मिल पा रहा है इन लोगों को, और मेरा तो आम जनता से यह अनुरोध है कि कोशिश करें कि इन लोगों की मदद करें। इनके घर पे हमने भैया ये वॉइस ऑफ एमपी पे न्यूज़ देखी इनकी और वॉइस ऑफ एमपी से ही कॉन्टेक्ट करा हम लोगों ने और बताया है, तो आए हैं हम लोग यहाँ तक। और भी लोगों से अनुरोध है, वॉइस ऑफ एमपी के जरिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों से अनुरोध है कि इनसे जुड़िए और कोशिश करिए लोगों की मदद कर सके। मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिसके पास है हो सके तो मेरी मदद करो, जो मेरे पति बच जाए, बस ये है। चौधरी हॉस्पिटल में कराया, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड मांग रहे थे पर नहीं बनाया, हमने कोशिश कर ली, पूरा महीना हो गया हमको भटकते भटकते, कभी कहते ये लाओ कभी कहते वो लाओ, मेरी एक बच्ची ऐसी भटक रही बेचारी की जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन नहीं ला। आप ये सोचो कि आटा भी मुश्किल हो रहा,
ये चीज हो रही है। मेरे खुद के पाँव से चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती मैं, इनका कहीं से कहीं तक कुछ सहयोग और कर भी नहीं सकती।